और व्हाट्सएप पर मैसेज आया काम के लिए, और उन्होंने एक रेस्टोरेंट लोकेशन को 5-स्टार रेटिंग के लिए कहा, और उसके बदले में मुझे 210 फ़ोनपे से आया। कोई इशू तो नहीं होगा कल? ओके, मेरे अकाउंट तो फ्रीज़ नहीं होंगे, और कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम में तो मैं नहीं फंसूंगा? बहुत से लोगों के अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं, बहुत से लोग टेलीग्राम प्रीपेड टास्क में हज़ारों लाखों रुपये गंवा रहे हैं, जहाँ पे कि आपको पैसा कमाने का लालच दे के उल्टा आपसे पैसे ठग लिए जा रहे हैं। सावधान हो जाएं, सतर्क रहें। कई लोग साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन कर रहे हैं। अब वहाँ से जो आपने पैसे गंवाए हैं वो आपको वापस कैसे मिलेंगे, रिफ़ंड मिलेंगे कैसे मिलेंगे, उसका क्या प्रोसेस रहेगा? बहुत से लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होता है, सामने वाले के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, सामने वाला कई बार आपके पैसे लौटा देता है। अब उस कंप्लेन को कैसे वापस लें जिससे कि सामने वाले का अकाउंट में जो फ्रीज़ लगा हुआ है वो अनफ्रीज हो, क्योंकि उसने आपके पैसे लौटा दिए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। कई बार ऑनलाइन कंप्लेन विड्रॉ करने के बाद भी अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो रहा है, तो P2P फ्रॉड का पैसा कैसे लें? कई लोग क्रिप्टो करेंसी पे P2P करते हैं, वहाँ भी उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। सामने वाले को आप USDT देते हैं, बदले में जो पैसा देता है वो फ्रॉड का पैसा दे देता है, जिसकी वजह से आपके अकाउंट्स भी फ्रीज़ हो जाते हैं। कई बार सिम भी ब्लॉक्स किए जा रहे हैं साइबर पुलिस के द्वारा। तो आम तौर पे लोगों को इस मामले में कई बार 2-4 महीने के बाद पुलिस के द्वारा CRPC 41A का नोटिस दिया जा रहा है कि आपके खाते में फ्रॉड पैसा आया है, आप आए थाने बताएं कि किस चीज़ के लिए पैसा आपने रिसीव किया, आप क्या काम करते हैं, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड्स के साथ और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के साथ हैं। अलग अलग स्टेट पुलिस के द्वारा कर्नाटका, बैंगलोर, गुजरात, UP पुलिस, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना पुलिस के द्वारा, गुजरात पुलिस के द्वारा ऐसे नोटिसेस काफ़ी लोग को आ रहे हैं। अगर आपको भी नोटिसेस आया है, क्या रिप्लाई करना है, कैसे आपको हैंडल करना है, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जिससे कि आमतौर पे पुलिस गिरफ्तारी का, अरेस्ट होने का जो डर होता है वो ना रहे, और आपके अकाउंट भी अनफ्रीज हो सके, कल हो के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स आप पे ना हो। आमतौर पे जो IPC के सेक्शंस लगते हैं वो 420-66 ITD एक्ट लगते हैं, जिसमें कि ऑनलाइन धोखाधड़ी का आरोप आप पे लगाया जाता है। तो पहला सवाल कि अगर टेलीग्राम प्रीपेड टास्क में पैसे गंवा दिए हैं तो उन पैसे को कैसे रिफंड मिलेगा? बैंक और पुलिस के द्वारा उस अमाउंट को होल्ड किया जाता है। रिफंड का प्रोसेस आमतौर पर कोर्ट के थ्रू ही आपको लेना होगा। उसके लिए आपको कोर्ट, जो भी उस पुलिस स्टेशन के जो रिस्ट्रिक्शन कोर्ट है, वहाँ पर अप्लाई करना होगा, जिससे कि आपका वो पैसा आपको वापस मिले। अगर पुलिस के द्वारा कोई नोटिसेस आए हैं उसका रिप्लाई कैसे दें, अकाउंट को अनफ्रीज कैसे कराएं, वो चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। तो जो भी आपका केस है उसके हिसाब से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपके लिए मेन एडवाइस है, कलर प्रेडिक्शन, गेमिंग ऐप, बेटिंग ऐप, टेलीग्राम P2P करने से सावधान रहें। बहुत सी वीडियोस हमने इस पर बनाई हैं कि आपको जो पैसे आ रहे हैं थोड़ी बहुत जांच पड़ताल कर ले, कहाँ से आ रहा है, देने वाला कौन है, देने वाला क्या वो अपने अकाउंट से खुद दे रहा है या फिर वो क्या काम करता है जो पैसा दे रहा है, कहीं वो ठगी का पैसा तो नहीं है, जिसकी वजह से कल हो कि आप भी उस चेन ट्रेल में आएंगे और आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। टेलीग्राम प्रीपेड टास्क में अगर पैसा गंवा दिया है, डेफिनेटली लोग कंप्लेन करते हैं, अमाउंट होल्ड होता है, उसके बाद समझ में नहीं आता कि इस पैसे को हम कैसे क्लेम करें, कैसे रिफंड करें, जिसका कि एक लीगल प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना होगा, तभी आपका पैसा आपके फिर अकाउंट में मिलेगा जिस अकाउंट से आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अगर साइबर अपराधी, साइबर क्राइम रिलेटेड आपका कोई भी मैटर है, कैसे कंप्लेन करें, विड्रॉ करें, पुलिस को कैसे रिप्लाई दें, पुलिस स्टेशन कैसे विजिट करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, नहीं चाहिए, क्या होता है इन परिस्थितियों में, क्या नहीं होता है, सारा कुछ आपको हमारे लॉयर्स के द्वारा बताया जाएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें व्हाट्सअप कर दें, कंप्लीट हेल्प आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बच सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें।